आज की हमारी टॉप डिफेंस न्यूज में से पहली खबर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बात से सदमे में है कि इंडियन मेड इक्विपमेंट फॉरेन इक्विपमेंट से ज्यादा महंगा क्यों है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी बनाई है जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को एग्जामिन करेगी और ये पता करेगी कि आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किया जाने वाला इक्विपमेंट इतना महंगा क्यों है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऐसा करने का कारण ये है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का प्राइस जो HAL ने मांगा है वो बहुत ज़्यादा है। HAL ने एक जेट के लिए 463 करोड़ रुपए मांगे हैं जो कि ज़्यादा एडवांस्ड फॉरेन मेड फाइटर जेट से भी ज़्यादा है। इसी बात की जांच करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कमेटी बनाई है जो कि यह जांच करेगी कि इसकी इतनी कीमत ज़्यादा क्यों है। रशियन स्कोई फाइटर जेट अगर रशिया से डायरेक्टली खरीदा जाए तो उसकी कीमत 330 करोड़ रुपए है और जो जेट HAL असेंबल करता है उसकी कीमत 415 करोड़ रुपए है। कीमत के इस डिफरेंस की जांच भी ये कमेटी करेगी। हमारी दूसरी बड़ी खबर इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाली ट्राई सर्विसेज मिलिट्री डील से आ रही है। ऐसी उम्मीद है कि इस साल इंडिया और अमेरिका अपनी पहली ट्राई सर्विसेज मिलिट्री ड्रिल रखेंगे और इस एक्सरसाइज पर बातचीत भी चल रही है। इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों विंग जाने कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने US के साथ सेपरेट मिलिट्री एक्सरसाइज की है, लेकिन ये पहली बार होगी कि दोनों देशों की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज्वाइंट ड्रिल करेगी। इंडिया और अमेरिका के संबंधों में हाल ही में आई खटास को दूर करने के लिए ये एक बढ़िया कदम माना जा सकता है। हमारी तीसरी खबर ब्रह्मोस मिसाइल से है। इंडिया एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल पर काम कर रहा है और इसकी सर्विस लाइफ को वैलिडेट करने के लिए टेस्ट इसी महीने होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्विस लाइफ एक्सटेंशन को वैलिडेट करने के लिए ये टेस्ट किया जाएगा। इस मिसाइल की सर्विस लाइफ को 10 से 15 साल करने की कोशिश की गई है और ये टेस्ट यही पक्का करने के लिए किया जा रहा है। इस टेस्ट फायरिंग के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ब्रह्मोस मिसाइल को ज़्यादा लंबे समय तक रख सकेंगी। इस पर बात करते हुए DRDO ऑफिशियल्स ने बताया कि एक नई वर्टिकल डाइव ब्रह्मोस भी जल्द ही टेस्ट की जाएगी। इस मिसाइल के आने के बाद हम माउंटेन रीजन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अगेंस्ट भी इस मिसाइल को यूज़ कर सकेंगे। ऑफिशियल्स ने बताया कि हमने 2 साल पहले भी एक टेस्ट किया था जिसमें 65 डिग्री स्टीप ड्राइव पर मिसाइल को टेस्ट किया गया था, लेकिन जिस टेस्ट की अब हम बात कर रहे हैं वो एक नियर वर्टिकल ड्राइव कैपेबिलिटी होगी जिस पर मिसाइल 90 डिग्रीज पर स्टीप ड्राइव करेगी। ऐसी कैपेबिलिटी के साथ ये मिसाइल कई तरह के टारगेट्स को हिट कर सकेगी। इस नई ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट अगले साल होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉप डिफेंस न्यूज़ वाली वीडियो बनाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ये संकेत दें कि मुझे ये ऐसी वीडियो बनानी चाहिए।